हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बॉट ट्रेडिंग दिखाऊंगा, वो भी मूविंग एवरेज से डेमो दिखाऊंगा। तो मार्केट बंद होने में खाली 20 मिनट रह गए, 15 से 20 मिनट रह गए, तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं मूविंग एवरेज के ऊपर। तो जो डेमो है, कॉन्सेप्ट है, स्क्रिप्ट है, वो इस तरीके से काफ़ी लोग क्या काम करते हैं, मूविंग एवरेज के एक मूविंग एवरेज ले लेते हैं और वो चाहते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ओपन हो तो बाय करें, मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल ओपन हो तो वो सेल करें। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी मूविंग एवरेज ले लो, किसी भी पीरियड की ले लो और कोई भी सोर्स ले लो, आप ये चीज़ बॉट ट्रेडिंग के साथ कर सकते हो। और जो हमारा बॉट है, नेक्स्ट लेवल बॉट, इसके साथ तो ईजिली कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक 4 की मूविंग एवरेज ली है और सोर्स ओपन रखा है। बाई डिफॉल्ट ये क्लोज होता है, पर मैं ओपन पे काम करता हूं इसलिए मैंने ओपन रख दिया। और जो ये मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं, मैं हाई कैंडल कैंडल पे यूज कर रहा हूं। तो अब मैं चाहता हूं कि जैसे इस कैंडल के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ओपन हो, ये वाली जैसे फर्स्ट कैंडल ओपन हो तो बाय हो जाए और मूविंग एवरेज के नीचे फर्स्ट कैंडल ओपन हो तो सेल हो जाए, तो हो जाएगा। बट अभी हम मार्केट में बाइंग की बिड नहीं लगाएंगे, हम ऑर्डर की बिड लगाएंगे। मतलब अगर सेल का सिग्नल 100 रुपए पे आया है तो 102 पे मेरी बिड लगेगी, अगर बाय का सिग्नल 100 रुपए पे आया है तो 98 पे मेरी बाय की बिड लगेगी। तो ऑर्डर बुक में ले जाता हूं, मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूं कि मार्केट बंद होने वाली है और देख सकते हो 0 ऑर्डर है। और मैं यहां पर जाके अलर्ट जो अपनी कमांड है बॉट्स की वो एनेबल कर देता हूं, ऑन कर देता हूं। तो बॉट मैंने ऑन कर दिया, आप ग्रीन लाइट देख सकते हो। तो अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक सिग्नल आए, जैसे कि बाय का सिग्नल तो अभी चल ही रहा है, इधर आया था, उस टाइम आपको मैं लाइव नहीं दिखा पाया। बट अब जो सेल का सिग्नल आएगा मैं आपके सामने लाइव कर दूंगा। और अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये जो मैंने टाइम फ्रेम ले रखा है अभी 1 मिनट का ले रखा है, जो ये कैंडल चल रही है आपके आगे, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चल रही है। और आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप यहाँ देखोगे 8 सेकंड रह गए हैं, 6 सेकंड रह गए इस कैंडल को बंद होने में, और ये भी अभी ऊपर ही बंद होगी, मूविंग एवरेज से नीचे बंद नहीं होगी। इससे अगली कैंडल जो है उसके चांस है कि मूविंग एवरेज से नीचे ओपन हो, और जैसे ही मूविंग एवरेज से नीचे ओपन होगी तो आपको एक ऑर्डर लगा हुआ दिख जाएगा, सेल का ऑर्डर मार्केट रेट से 2% ऊपर। अगर हम उसमें कोड डाल देते मार्केट रेट पे बाय कर ले तो डायरेक्ट बाय कर लेता। तो थोड़ा सा हमें 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा और आपको मेरी 1 मिनट की बेकार सी कमेंट्री सुननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं है अब बोलने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हो 33 सेकंड रह गए और हम वेट करते हैं कि हाँ अगली कैंडल हो सके पॉसिबल हो तो वो मूविंग एवरेज के नीचे बने, जिससे मैं आपको लाइव डेमो दिखा दूं। और आप टाइम भी देखोगे, आपको स्क्रीन पे यहाँ पर टाइम दिख जाएगा, 3:06 हो रहे हैं और जहाँ तक मुझे पता है 3:20 पे मार्केट बंद हो जाती है। इट्स मीन कि हमारे पास 14 मिनट ही है चीज़ों को चेक करने के लिए। अच्छा, इस स्क्रिप्ट पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगली वीडियो में मैं इसको डेप्थ में बताऊंगा कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। अभी तो डेमो दिखा रहा हूं, मैंने आपको बताया नहीं आपको कमांड कैसे लगानी है वगैरह वगैरह, पर अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये सेल का सिग्नल आया और हम फटाफट चलते हैं। ये देखो जितनी देर में मैंने टैब ओपन करी, इनने सेल का ऑर्डर लगा भी दिया। अच्छा, इनने जो क्वांटिटी लगाई है वो 1 लगाई है। 1 इसलिए लगाई है कि मैंने 1 डाल रखा था, इसको मैं चेंज कर दूं जरा, ये 1 के बदले में 50 कर देता हूं। एक सेकेंड, 1 के बदले में 50 कर देता हूं, क्योंकि 1 कुछ ज़्यादा, अगली बार जो सेल का सिग्नल आएगा उसमें 50 क्वांटिटी लगेगी, अभी 1 लगी है। तो मैंने ये दोबारा सेल का सिग्नल इसलिए आ गया क्योंकि मैंने कमांड दोबारा चालू कर दी थी और देखो अब ये 50 क्वांटिटी लगी है। तो इस सिग्नल, इस कैंडल पे सेल का सिग्नल आया और आपके सामने जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ ओपन विंडो करी तो बिड लग चुकी थी। अब हम एक सिग्नल बाय का इंतजार करते हैं। तो बाय का सिग्नल जैसे आपको पता कब आएगा, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ओपन होती है तो बाय का सिग्नल आएगा। तो ये तो डिपेंड आप पे करता है, आप बाय के सिग्नल में सेल का कोड डाल दोगे तो वो सेल का काम करेगा, पर जो लीगली वे होता है वो यही होता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल हो तो बाय हो, मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल हो तो सेल हो। तो अब हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा और जैसे कि अब आप स्क्रीन पे टाइम देखोगे तो 3:08 हो गए, इट्स मीन कि हमारे पास 12 मिनट है और 12 मिनट के अंदर एक बाय का सिग्नल आना चाहिए जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि हाँ अब जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो तो यही बन रही है कि अगली कैंडल ऊपर होने के चांस है, क्योंकि जो यहाँ पर कैंडल स्ट्रगल कर रही है वो यही कर रही है कि वो इस मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ओपन हो। तो अभी 31 सेकंड रह गए हैं और हमें वेट करना पड़ेगा और मेरी कमेंट्री आपको इसी तरीके से सुननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ तो फिर आपके सामने लाइव चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम और देखते हैं। 14 सेकंड रह गए,
कैंडल को, नई कैंडल ओपन होने में, और नई कैंडल भी नीचे ही ओपन होगी जो कि अभी मेरे को दिख रहा है। तो ये तो हमारा एक मिनट बिल्कुल ही बेकार गया। अगर नीचे ओपन होती है तो फिर मैं एक मिनट के लिए चुप हो जाऊंगा और वीडियो को स्टॉप कर दूंगा, जैसे सिग्नल आएगा फिर ओपन करेंगे। तो नीचे ओपन हुई तो एक मिनट के लिए मैं रोक लेता हूँ अपने आप को और एक मिनट के बाद मैं आपके सामने आता हूँ। तो फ्रेंड अगली कैंडल आने वाली है, 5 सेकंड रह गए हैं और देखते हैं ये कैंडल कहाँ ओपन होती है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा रह गई, मूविंग एवरेज के नीचे ही ओपन हुई है, पर अगली कैंडल के जो चांस बन गए वो मूविंग एवरेज के ऊपर बन गए। और फिर एक बात बोलना भूल गया मैं, जैसे डेमो वीडियो मैंने बताया और अगली वीडियो में आपको ये कैसे लगानी है अपने बॉट को, मैं कैसे ये चीज़ एक्टिवेट करनी है वो बताऊंगा, बट मुझे कमेंट में ये बताना ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करना चाहते हो या नहीं, या करते थे, या आप ऐसा चाहते थे कि ये स्ट्रैटेजी ऐसे ऑटोमेशन में मिल जाए, तो कमेंट में ज़रूर बताना जिससे मुझे पता चले कि हाँ कितने लोग इंटरेस्टेड है इस तरह की स्ट्रैटेजी में। और आगे चल के मैं क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, दो मूविंग एवरेज जब आपस में क्रॉस करती है तो बाय सेल ऑटोमेशन हो, तो वो आगे चल के लेके आऊँगा। अब 20 सेकंड रह गए हैं और अब जो अगली कैंडल है वो कन्फर्म ऐसा ही लग रहा है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन होगी, क्योंकि जो अभी की कैंडल है वो काफ़ी बुलिश बन रखी है, जो हाइकन असी कैंडल है। आप इसे नॉर्मल कैंडल में भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे हाइकन असी कैंडल बेटर लगती है इस चीज़ के लिए, तो मैंने हाइकन असी कर रखी है। तो ये देखिए ऑर्डर दिखा देता हूँ, 0 ऑर्डर है, नहीं सेल ऑर्डर थे और एक सिग्नल आ गया। अब ये देखो बाय ऑर्डर भी आ गया, मैं इतनी देर में अभी आपको 0 ऑर्डर ही दिखा रहा था, मुझे लगा कि मैंने कैंसिल कर दिया सेल ऑर्डर, पर कैंसिल नहीं हुए थे। अब आप देख सकते हो एक बिड लग गई और मार्केट रेट उस टाइम चल रहा था, ये चल रहा है, और उससे 2% नीचे मेरी बिड लग गई। तो मैंने जैसे आपको बताया था, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट बाय भी कर सकता था, डायरेक्ट सेल भी कर सकता था, पर ना मैंने ऐसा कराते हुए इसे ये करवाया कि नीचे बिड लगा ऊपर बिड लगा, ये मेरे ऊपर है। कई लोग इसे जो हम ट्रेडिंग करते हैं कई बार हम इसे स्टॉप लॉस में लेते हैं, स्टॉप लॉस में जब मतलब कोई स्ट्रैटेजी चल रही है और उसके अंदर हम इस मूविंग एवरेज को लगा देते हैं कि इससे नीचे इस पे कैंडल जैसे ही टच हो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप मूविंग एवरेज कौन सी लगाते हो, जरूरी नहीं है 4 की लगाते हो, आप कोई भी स्टॉप मूविंग एवरेज को जो भी आपको अच्छा लगता है जिस भी टाइम फ्रेम में उसे स्टॉप लॉस भी बना सकते हो। तो मैंने आपको बाय के भी सिग्नल दिखा दिए, सेल के भी सिग्नल दिखा दिए। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो ये भी मुझे बताना। तो एक बार हम दोबारा से सेल का सिग्नल देख लेते हैं, एक मिनट में आई थिंक सेल का सिग्नल आने वाला है क्योंकि रेड कैंडल आ गई है, और अगर नहीं आया तो फिर हम बंद कर देंगे, और आ गया तो ठीक है। पहले मैं इन ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने इन ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जो भी ऑर्डर लगे थे, और अब एक बार वेट कर लेते हैं, अगर सेल का सिग्नल आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं वीडियो को यहीं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी लेंथी हो गई, काफ़ी लंबी हो गई और मैं चाहता नहीं था इतनी लंबी वीडियो बनाऊं। एक तो दूसरी मार्केट भी बंद होने वाली थी, प्रेशर था मेरे ऊपर कि फटाफट वीडियो बनानी है, अचानक ही आइडिया आया कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जा सकती है। और जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जिस भी स्ट्रैटेजी पे आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, बहुत सारी स्ट्रैटेजी, सैकड़ों स्ट्रैटेजी है काम करने की, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, उस स्ट्रैटेजी पे आप कितना बिलीव करते हो, आपके पास क्या बैक टेस्टिंग है, बहुत सारी है ऑटोमेशन में काम करने की। और अभी के लिए जो बॉट है वो इक्विटी कैश पे ही चलेगा। तो जैसे 2 सेकंड रह गए देखते हैं, हाँ ये क्लोज हुई है, कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे आई है, और ऑर्डर में जाके देखेंगे तो ऑर्डर लग गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी चाहिए। अभी के लिए मैंने ये डाल दिए, ओके बाय।